गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ एंड आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे न्यू फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ देखो, हम सब सो के उठ गए और यहाँ पे अभी भी मच्छरदानी लग के हैं। तो मैं पहले उठ गई थी, मेरा ब्रश करना हो गया, उसके बाद सना उठी, मैंने आवाज़ दी मम्मा करके, तो फिर उठ गई। और उठने के बाद ना उसे मैं बेड के नीचे उसे थोड़ा खड़ी कर दी कि वो सुसू करेंगी शायद, तो नहीं की, बट जैसे मैंने बेड पे लिया उसने फिर कर दी। तो फिर उसको मैं यहाँ पे उसका पैंट चेंज करा रही थी। और पता है सना इतनी छोटी है, बट उसका हैबिट ऐसा है कि रात को मुझे उसे डायपर पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या वो रात भर सुसू नहीं करती, और की तो कभी एक बार करती है तो मैं चेंज कर देती हूँ। तो एक बार के लिए उसे डायपर पहनाना और सारी रात उसे वैसे में रखना और अच्छी बात नहीं है, सब लोग भी मना भी करते हैं। तो और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रात भर सोती नहीं होंगी, शायद उसको चेक करते रहती हूँ, कहीं वो उसे ठंड ना लगे, ये सब देखती रहती हूँ। और यहाँ देखो, मम्मी मच्छरदानी खोलने आई और उसके अंदर से मैं मम्मी को बोली धीरे करो, तो देखो कितना है, कुछ निकला। ये सब सना के बांग्ला में इसे ना काता बोलते हैं, मतलब जब वो बहुत छोटी थी, जब छोटी मीन्स वो जब हुई थी, तो उसे बार बार जैसे सुसु करते, तो जब फर्स्ट मंथ था, तो फर्स्ट मंथ में मैं उसे डायपर पहना ही नहीं, तो मम्मी ने बहुत सारे उसके काता बना दिए थे। तो वही रात को सोती हो तो पास में रख देती हूँ, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे जो सुसु करती थी तो मैं बैठ के रख के उसके ऊपर उसे मिटा दी थी। तो और यहाँ फिर मम्मी उसका नाश्ता बना रही है और यहाँ मैं हमारे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आई मीन मम्मी को बोली कि आटा दे दो, मैं गूंद देती हूँ। जैसे हमारे सुबह हम सब रोटी भाजी कुछ भी भाजी होती है, जैसे कि घुघनी बोलते हैं चने की, वो नहीं तो अंडा भुंजी, नहीं तो आलू भाजी, कुछ भी एक भाजी होता है, और उसके साथ तो चाय होता ही है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी तो सना बार बार हाथ दे रही थी और वो भी उसमें आटे में हाथ देना चाह रही थी। आई मीन वो भी, उसे भी पसंद है वो सब मैसी करना। तो यहाँ पे मैं कर रही थी और आज का मौसम भी ना बहुत अच्छा था, तो मम्मी भी बोल रही थी कि तेरा आटा गुन्ना होने के बाद चल थोड़ा बाहर चल। तो मैं अगर कहीं भी जाती हूँ ना बाहर, या तो सना ना मुझे देखते रहती है, मतलब उसे पहले वॉकर में बिठाते हैं फिर मम्मी मुझे लेके जाती है ना, तो उसे वॉकर में बिठा के लेके आई थी, वो बहुत रो रही थी, मैं उतना कैप्चर करना भूल गई। और ये देखो, मैं जब बाहर आई तो मेरे मुँह से यही निकला, मम्मी अभी तक ही रंगोली रखे, मतलब लक्ष्मी पूजा में मैं रंगोली दे रही थी, वो शूट नहीं कर पाई थी कि मोबाइल का स्पेस भर गया था, तो अभी भी मम्मी है, मतलब बाजू से झाड़ू देती है बट उसे मिठाई नहीं। और यहाँ मैं देखो थोड़ा कुछ दिखा रही हूँ, जो हमारे गमले में क्या क्या बोलती है इसको, पॉट में जो कुछ भी थोड़े बहुत प्लांट बचे हैं, तो वही सब मैं आपसे दिखा रही हूँ। पहले ना मैं, जैसे दिवाली आ रहा है तो यहाँ से लाइन से बहुत सारे टॉप थे, बहुत फूलों का झाड़ था, तो दिवाली के पहले मैं सारे टॉप में न्यू पेंट मारती थी और बाहर जैसे जाती थी प्लांट लेके आती थी छोटे छोटे ये सब। बट अभी ना 2 साल से कुछ करना भी नहीं हो रहा और उनका केयर भी नहीं हो रहा। तो यहाँ देखो, 2 फूलों गुलाब के झाड़ में फूल आए हैं, और इसका हालत देखो, इस पेड़ का, इस गुलाब का, मतलब एक डंगाली और ऊपर जाके ये फूल हुआ। तो मम्मी को बोल रही थी इसका हालत क्या है, आई मीन इसको कटिंग करना चाहिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा एक ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, तो इसकी मैं कहानी बोलती हूँ, इसकी बहुत सैड कहानी है, इसकी नहीं मेरी, अब पता नहीं वो सैड है कि क्या है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था ये, तो एक्चुअली मैं उसका कहानी में बाद में बोलती हूँ। तो यहाँ देखो, मम्मी ने ना जो हमारा तुलसी का पेड़ था बहुत बड़ा, तो उसकी एज हो गया था, तो उसको हटा के मम्मी ने न्यू लगाए थे। और ये है देखो पोशाक, बंगाली लोग खाते हैं, पता नहीं आप सबको पता होगा कि नहीं, और मुझे इसका पोशाक का डाटा बहुत पसंद है। तो और यहाँ पे देखो, हमारे बैगन के झाड़ में 2 बैगन अभी भी हुए हैं नए, तो बस यही है। और उसके बाद देखो, मीन्स मैं बोल रही थी ना, वो देखी कि मम्मी ने मुझे गोद में लेके बाहर लाए, तो वो वॉकर में थी, वो मेरे पास आने के लिए बहुत रो रही थी, तो फिर मम्मी को बोली कि मम्मी उसको मुझे ला के दो। तो यह देखो, वो मेरे पास आई मीन
वो बहुत खुश हो रही थी, मीन्स मेरे गोद में वो बहुत कम घूमती है ना, तो मैं बाहर आके चेयर पे भी बैठती हूँ तो मेरे पास आती है, तो उसे बहुत पसंद है। और बार बार ना वो मीन्स उसे गोद में लेके व्हीलचेयर में चला नहीं पा रही थी, मतलब एक जगह बैठे रहो, मतलब व्हीलचेयर चला नहीं रही थी, तो आई मीन दो हाथों से उसके चक्के घुमाना पड़ता, तो वो तो अच्छे से बैठ नहीं सकती, वो गिर रही थी। तो मुझे याद आया कि अरे हाँ, इसमें तो एक बेल्ट है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट लगा दी और वो चुपचाप देख रही थी। मुझे नहीं पता कि सना बड़ी होकर वो क्या सोचेंगी, बट सब लोग बोलते हैं और खासकर मैं भी कभी कभी ना सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी होंगी ना, कि इसने मुझे उसने माँ चुनी है और भगवान ने उसे मेरे पास भेजे। तो सच्ची में भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान इसकी हेल्थ अच्छे रखे, इसके लंबी आयु दे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बने। और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं कभी कभी बोलती हूँ जो बड़े हैं तो मेरे बेटी को आशीर्वाद दे और अपने भगवान से प्रार्थना करे कि वो लाइफ में वो बहुत बहुत सफल हो। क्या बोलूँ मैं, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता और मुझे पता नहीं मैं क्या कुछ बोलते चली जाती हूँ। सो यहाँ मैं उसे फ्लावर दिखा रही थी बट वो पकड़ना चाह रही थी, तो मुझे पता है वो उसे तोड़ देंगी, और मुझे ना सच में अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, मतलब पूजा के लिए तोड़ो मुझे अच्छा लगता है, भगवान को दो, उसके बाद अगर उसको तोड़ के फेंक दो मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ देखो उसके नाक से पानी निकल रहा था, थोड़ी उसे सर्दी है, तो मैं मेरे कपड़े से पोंछती, मेरे पास मेरा आँचल तो नहीं है ना, मैं साड़ी कैसे पहनूँ, तो पोंछती, कोई बात नहीं। और यहाँ पे वो बहुत खुश होती है मेरे साथ, क्योंकि वो घूमती नहीं ना मेरे साथ कभी, तो वह चुपचाप थी और मुझे ऐसा लग रहा था वो कितनी खुश है। फिर मम्मी आई, फिर देखो मम्मी क्या बोल रही थी। बाबू रेड तो देखे जाओ तेरे ना, ये तो नहीं लगाई थी सी बेल बेल ये तो ये रंग ये गोले और वो हाल लगे माँ तीसरे जाओ यार बेल किसे से जोड़ो बेल ना इन्हें चलो पीछे और खाके निशाते हैं तो हमने जैसे कि हम घर में ना बांग्ला बोलते हैं, तो मम्मी भी पहले देख के मतलब बेल्ट लगा दी, फिर बोली अच्छा की, और पापा को नहीं पता था कि इसमें बेल्ट होता है, तो मैं भी पापा को बांग्ला में बोल रही थी। और मम्मी से मैं एक कुछ मांगी थी, मतलब जो टॉप में मिट्टी थी पूरे एकदम बारिश से चिपक गया था, तो मैं बोली मुझे थोड़ा दो लाके, तो वही मम्मी लाके दी और पूरे मिट्टी को मैं ऊपर नीचे कर दे रही थी इस तरह से। अभी इसमें खाद देना चाहिए, तो घर में खाद शायद नहीं था। हाँ, और क्या कहते हैं, मुझे प्लांट का केयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बोली ना, जब ठीक थी तब भी हम पहले घर में मैं ही सब कुछ करती थी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है सबको पसंद नहीं है, मेरी जो फ्रेंड है माही, उसे तो मुझसे वो तो बहुत एकदम क्रेज़ी है एकदम प्लांट के लिए, सिटी गए तो कुछ ना कुछ लेके ही आती है, आई मीन प्लांट। तो और क्या बोलती हूँ, मैं जिस दिन माई के घर जाऊँगी ना, तो मैं आपको उसका छोटा सा गार्डन दिखाऊँगी कि वो कितने अच्छे से केयर करती है। मुझे भी दिल करता है बट अभी टाइम कहाँ है उसके लिए करने के लिए। और मैं बोली इस बार जब आऊँगी बहुत सारे प्लांट भी लेके आऊँगी तो बोलती हाँ जब भी आओ लेके जाओ, बट मैं जाती भी कहाँ, जिस दिन जाऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी माई के क्यूट सा गार्डन, बहुत प्यारा गार्डन है। तो यहाँ पर मैं सब ठीक कर दिया, और ये जो पीछे मैं दिखा रही थी यारो करके, इसकी हिस्ट्री तो ये कहानी है, ये नागपुर से आया था वो जो प्लांट, वो तीन ऊपर जो हरे हरे पत्ते हुए। तो बात ये है कि मैं एक बार रेलवे में मैं एग्ज़ाम दी थी चंद्रपुर में, तो फर्स्ट में क्लियर हो गया, तो सेकंड एग्ज़ाम नागपुर में था, तो हम लोग चले गए भैया आए लेके जाने के लिए, तो मम्मी पापा मैं भैया और मेरे कज़न भाई बहन को भी लेके गई थी, राहुल और पीयू को।
तो हम लोग चले गए एग्ज़ाम देने, और कॉलेज के अंदर कार भी ले लिया। जब मुझे अंदर लेंगे तो हॉल टिकट मांगे, तो मैंने दिखाए तो वो सर बोले कि एग्ज़ाम अगले महीने है इसी डेट को। तो भैया पापा मुझे देखे, ऑब्वियसली पहले वो भी बोले होंगे कि तू डेट तो टाइम से नहीं देखी, ठीक से नहीं देखी क्या, बट कोई नहीं बोले। फिर हम इतना हंसे तो पापा और भैया बोले चलो कोई नहीं, एक हमारा टूर हो गया। तो वहाँ से वो प्लांट लाए थे, बट पता नहीं क्यों मेरे शायद किस्मत में ही कोई जॉब लिखा नहीं था। ये तो एग्ज़ाम मैंने खुद से दी थी रेलवे का, जो फर्स्ट मैंने खुद ही क्लियर कर ली और सेकंड कभी हुआ नहीं। और इससे पहले मैं ना टीचर होने वाली थी, उसकी भी बहुत कहानी है। शायद मेरी किस्मत में ना जॉब ही लिखा ही नहीं था, तो शायद इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ। अगर जॉब होता था तो मैं शायद आप लोगों से नहीं मिलती थी। और मैं टीचर बनना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, उसके पीछे भी बहुत मतलब कहानी है। अब इसमें कितना बोलूं, किसी दिन बोलूंगी। उसमें भी मुझे बोला गया था कि आप चल नहीं पाओगे तो आप जॉब नहीं कर सकते, इसलिए नहीं हुआ। और भी बहुत कहानी है, तो किसी दिन सुनाऊंगी। सो ये है मेरी छोटी सी गार्डन, जो कि पहले बहुत अच्छा था। यहाँ पे पूरे टॉप्स थे, जो कि अभी पीछे मेरे खाली देख रहे हो, सब टूट गए। तो उसके बाद कोई बनाना भी नहीं हुआ, उसके बाद कोई नया लाए ही नहीं, खरीदे नहीं। अभी लाना है, जैसे कि ये खाली पड़ा है। तो उस दिन मम्मी और मैं सिटी गई थी, तो इसे देखे बट लेके सिटी जाके घूमना, फिर लाना नहीं हुआ। तो बस चलो, उसके बाद सब कुछ हो गया कदा, और मम्मी अंदर नाश्ता बनाना मम्मी का भी हो गया। और मम्मी मुझे बोल रही थी चल अंदर चल, और मैं भी मम्मी को यहाँ पर आवाज़ दे रही थी। तो थोड़ा घूम रही थी, और सिस्टमेटिक नहीं हुआ ये घर हमारा कि मैं खुद से व्हीलचेयर लेके चले जाओ। यहाँ पे सीढ़ियाँ है तो मैं चढ़ नहीं सकती, तो कोई बात नहीं जो होना है वही होगा। और आज मैं कहीं जाने वाली थी, तो आगे मेरे ब्लॉग देखते रहो पूरा मैं कहीं जाने वाली हूँ, मेरे वीडियो के साथ बने रहो। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे न्यू फ्रेंड, मेरी न्यू छोटी छोटी फैमिली जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, कर रहे हो। और जो नए आए हो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो। मुझे ज़रूरत है आप लोगों की, मेरी छोटी सी यूट्यूब पे मेरी धीरे धीरे छोटी सी फैमिली बन रही है, तो उसके लिए थैंक यू। सो ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन उस दिन मैं बोल रही थी कहीं जाने वाली हूँ, तो इतनी बारिश हो रही थी, तो हमें लगा कि बारिश रुक जाएगा। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलो। मैं आगे मैं बोलती हूँ, और यहाँ पे मम्मी मुझे बिठा दी। और नेक्स्ट डे भी मैं वही ड्रेस पहनी, क्योंकि निकाली थी मैं पहनी, फिर बारिश आया तो फिर मैं चेंज करके रख दी थी। और यहाँ मम्मी मुझे बिठा दी। आप सोच रहे होंगे पापा क्यों नहीं बिठा रहे, तो पापा बोल रहे थे, तो पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब है, ख़राब थी, तो मम्मी भी बोली कोई बात नहीं मैं बिठा देती हूँ। तो ये है मेरे प्यारे मम्मी पापा जो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो फिर वहाँ से मैं घर से अकेली माही के घर गई, मेरे फ्रेंड को पिक की, और हम दोनों आ गए यहाँ पे। मतलब रास्ते पे हमको शूट नहीं किए, तो यहाँ पे देखो आ गई। और मैं ढूंढ रही थी मेरे फ्रेंड लोग कहाँ हैं, तो यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, बनाए तो मैं भी यहाँ पे, मेरा भी गट है, तो इस गट में मैं भी हूँ, तो मुझे भी बुलाए, तो मैं भी गई थी। तो यहाँ पे आप कुछ भी लाके बेच सकते हो, 5 दिन है। तो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में ही मैं गई, हम लोग गए तो यहाँ पे लोग आना शुरू नहीं किए थे, बाद में बहुत लोग आना शुरू कर दिए थे। और फिर हम लोग ने बोले कि सामान कोई खरीद नहीं रहा है ज़्यादातर, कुछ खाने के आइटम्स लाएंगे ना तो वो होगा। तो मैं फर्स्ट डे जाके चली आई, अब देखती हूँ सेकंड डे जाऊँगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये है मेरी क्यूट सी, और सब लोग तो आए भी नहीं, और मेरे साथ माही गई थी, और आप भी थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे मैं एक पिक ऐड कर दूँगी, अगर चंदूपुर के कोई भी हो तो यहाँ पे एड्रेस देख लो, आप लोग जा सकते हो। ये भव्य विकृति व प्रदर्शन है, आप देख भी सकते हो, और आपको अगर कुछ पसंद आए तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। सो बस यही है, मैं एड्रेस दे दूँगी, पिक ऐड कर दूँगी, आप लोग एक बार चेक कर लो, और दिल करे तो एक बार घूम के आओ, जो भी चंद्रपुर के है मेरे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं फिर
कुछ हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दी कि है माही। और यहाँ पे 5 दिन होने वाला है मेरे जो वीडियो ये जाएंगे, उसके बाद आई थिंक और 2 दिन या 3 दिन बचा होगा, तो आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे माया और माही चले आई थी, जैसे कि दिवाली सामने है तो सिटी में इतना अच्छा सब कुछ बेच रहे थे ना रोड के दोनों तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और माही को मैं बोली थोड़ा आप वीडियो कर लो, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल सब कुछ थे जो दिवाली में ला के आप आपके घर सजा। उसके बाद मैं ये कछुआ देख रही थी जो सॉफ्ट टॉय है, तो फिर मैं माही को बोली नहीं मम्मी गुस्सा करेंगी क्योंकि घर में इतने सॉफ्ट टॉय है रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं ली। और माही को भी बोली चलो मम्मी डांटेंगी। और मैं सिटी जाती हूँ ना जब भी माही के साथ, मैं कुछ ना कुछ लेती आती हूँ, तो माई भी बोलती है जब आ देखो मासी माँ बोलेंगी कि ये माई के साथ ही जाके इतना कुछ लाती है, ऐसा बोलती है माही। बट मम्मी ऐसा कभी नहीं बोलती है, मम्मी हमेशा माही को बहुत प्यार करती है और हमेशा बोलती है कि वो मतलब माही को ये मेरी दूसरी बेटी है। तो ऐसे भी और एक दिन सिटी जाना है क्योंकि दिया रंगोली सब लेना है। और मैं साल में ना बहुत कम 2-3 बार ही आई थिंक मैं रंगोली देती हूँ बाहर जाके, तो मैं आज जैसे सुबह गई थी तो देखी लक्ष्मी पूजा का मम्मी ने अभी तक रखी, तो तभी बोली थी मैं सिटी जाऊंगी मेरे पसंद के रंगोली लाऊंगी, तो दिवाली में रंगोली दूंगी तो ऑब्वियसली दूंगी, इच्छा है दूंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अरे यहाँ पे देखो ये भैया रंगोली के भैया बाय की हाय बोल रहे थे। तो बस इसके बाद हम दोनों चले आए घर यू टर्न लेके, और हम लोग कुछ खाए थे यहाँ पे थोड़ा सा, फिर खा के चले आए। वो कुछ तो भी था झाल मूढ़ी देखी तो मैं बोली माही खाना है चलो, तो खा के फिर चले आए। तो आज मैं बस इतना सा आप लोगों से शेयर किया, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।